जो व्यक्ति टाटा, बिरला या अंबानी के घर में पैदा होते हैं, वे बचपन से ही पैसे वाले होते हैं। लेकिन हर इंसान की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है, और हमारे देश में लगभग लोग जो होते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं या फिर वो गरीब फैमिली में पैदा होते हैं। और मिडिल क्लास फैमिली और गरीब फैमिली के जो लोग होते हैं वो अक्सर ये सोचते हैं कि बड़े होकर वे पैसे वाले बनेंगे। क्यों? क्योंकि उनका पूरा समय जो होता है, उनका पूरा जीवन पैसों के आगे पीछे ही घूमता रहता है। वे सोते जागते बस यही सोचते हैं कि कैसे पैसा कमाया जाए और अधिक से अधिक पैसा कैसे कमाया जाए। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकु। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे, और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पैसे वाला कैसे बने। दोस्तों, यहां सबसे जरूरी चीज ये है कि पहले ये जान जाए कि आखिर पैसा वाला बनने से क्या होता है, आखिर हम अमीर बनेंगे तो क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे समाज में जिसके पास पैसा होता है, जो धनवान होता है, उसको उसी के अकॉर्डिंग इज्जत भी मिलती है। जो जितना पैसा रखता है उसकी इज्जत भी वैसे ही होती है। ऐसा मैंने एक प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि हम किसी के भी औकात के बारे में पता करते हैं कि उसका डेजिग्नेशन क्या है और वो कितने पैसे कमाता है। लेकिन ऐसा नहीं कहा जाता है किसी से भी मिलकर कि आप कितना कमाते हो, कहा जाता है कि आप क्या करते हो, क्योंकि सामने वाला उसी से अंदाजा लगा लेता है कि आपका जो काम है उसके अकॉर्डिंग आपको कितना रुपया मिलता है। तो पहली बात तो ये हो गई कि पैसे से हमें समाज में इज्जत मिलती है, और दूसरी चीज ये होती है कि दोस्तों, पैसा एक ऐसी चीज है जिससे हमारे बहुत सारे दिक्कतों का समाधान भी हो सकता है। हम अपने सुख सुविधा के लिए, अपने आराम के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है वो हम पैसों से खरीद सकते हैं। तो यहां सबसे जरूरी चीज ये हो गई है कि हम आखिर पैसे वाले क्यों बने, ये बात मैंने आप लोगों को बता दी। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पैसे वाला कैसे बने। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पैसे वाले बनने के लिए क्या करें? दोस्तों, किसी चमत्कार या लॉटरी लगने के अलावा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम एक ही दिन में पैसे वाले बन सकते हैं। इसके लिए हमें लगातार संघर्ष और मेहनत करने की जरूरत होती है, और एक स्ट्रेटेजी के तहत हम अपने जो भी हमारा रास्ता है, जो भी हमारा गोल है, उसे हम अचीव करते हैं और एक दिन ऐसा आ जाता है कि हम भी अमीर और हम पैसे वाले बन जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 7 ऐसे स्टेप बताऊंगी जो हमें अमीरी की राह में जाने के लिए बहुत जरूरी हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप है हमारा अपनी पढ़ाई अवश्य पूरी करें। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या जो अनपढ़ हैं वो पैसे वाले नहीं हैं, लेकिन यहां ये कहा जा रहा है कि आपको, अगर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो आप अपनी पढ़ाई को जरूर कंप्लीट करें। दोस्तों, अक्सर ऐसा भी है हमारे देश में कि एक चाय बेचने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ज्यादा कमाता है, ऐसा भी है। लेकिन अगर आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करते हैं तो आपको नौकरी मिलने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। दोस्तों, ऐसा भी होता है कि हर कोई तो कोई भी काम या धंधा करके पैसे नहीं कमा सकता है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कीजिए। क्योंकि अगर आपने कोई डिग्री ले रखी है, आपने किसी प्रोफेशनल कोर्स को कर रखा है, तो आपको नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आपको किसी भी कंपनी में कोई ना कोई नौकरी तो जरूर मिल जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी चीज है कि अगर आप अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए और उसे कंप्लीट जरूर कीजिए। जो लोग कम पढ़े लिखे रहते हैं या जो अनपढ़ होते हैं, वो भी जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं और वो कोई ना कोई छोटा मोटा धंधा करके धीरे धीरे पैसे वाले बन भी जाते हैं।
सेकेंड बात यहाँ पे आती है कि अपना गोल डिसाइड करें। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपना जो भी आपकी मंजिल है वो पता होनी चाहिए कि आपको कहाँ जाना है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप 5 साल के बाद या 10 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। अगर आपका एक बार गोल डिसाइड हो जाएगा तो आप पूरी तरह से एकाग्रचित होकर फोकस होकर अपना काम करना शुरू कर देंगे। जैसे आपने आपको पैसे वाला बनना है तो आप ये रास्ता खोजोगे कि हम किस चीज को करके या हम किस मतलब काम को करके उस मंजिल को पा सकते हैं, हम पैसा वाला बन सकते हैं। तो आप अपना बिना वक्त जाया किए हुए पूरी तरह से फोकस होके उसी में काम करोगे। दोस्तों ये बहुत जरूरी चीज है कि अपना गोल डिसाइड कीजिए। सिंपल आप ये समझो कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं और अगर हमें पता नहीं होता है कि हमें कहां जाना है तो हम ऐसे ही घूमते रहते हैं, लेकिन जो एक नौकरी पेशा इंसान होता है वो अगर सुबह घर से बाहर निकलता है तो वो बहुत जल्दी में होता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसे टाइम पे अपने ऑफिस पहुंचना है। तो उससे उसका क्या है कि उसका गोल डिसाइड है, वो गोल डिसाइड है कि उसे कहां पहुंचना है, वो उसके अकॉर्डिंग अपना काम करता है। दोस्तों ये एक मैंने सिंपल एग्जांपल दिया है, इसलिए अगर हमें लाइफ में कुछ पाना है, कुछ अचीव करना है तो सबसे जरूरी चीज है कि अपना लक्ष्य निर्धारित करें। तीसरी जो बहुत जरूरी बात होती है दोस्तों वो होता है कि अपने समय का सही इस्तेमाल करें। दोस्तों जब आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया, आपको पता है कि आपको 5 साल में या आपको 10 साल में इस जगह पे पहुंचना है, आप अपने आप को अपना ग्राफ बना चुके हैं कि आप अपने आप को कहां देखना चाहते हो, तो ये पक्का हो जाता है कि अब आप अपना समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करोगे। और ये बहुत जरूरी है दोस्तों कि जो लोग अपना वक्त गुजारते हैं, जो लोग अपना वक्त बर्बाद करते हैं, ये वक्त जो होता है एक टाइम ऐसा आता है कि वो खुद उस इंसान को बर्बाद कर देता है। लेकिन ये बहुत बुरा लगता है जब समय के साथ कोई इंसान टूट जाता है दोस्तों, इसलिए बहुत जरूरी चीज है कि आप अपने समय का सदुपयोग करें। आपको क्या पाना है इस चीज को निर्धारित करें और उसके लिए समय भी निर्धारित कर लें कि इतने समय में हमें यहां तक पहुंचना ही है। चौथी बात यहाँ पे दोस्तों ये आती है कि नौकर और नौकरी में फर्क समझिए। दोस्तों आपने बहुत लोगों से ये सुना होगा कि अगर आपको पैसे वाला बनना है, आपको अमीर बनना है, तो आपको अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि बिजनेस में नौकरी की अपेक्षा ज्यादा पैसा है, लेकिन जिन लोगों के पास बिजनेस स्टार्ट करने का फंड ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, वो बिजनेस को कैसे स्टार्ट करेंगे? उनके पास नौकरी करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे ये जरूरी है दोस्तों कि अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप नौकरी ही कीजिए। आप अपना जो भी आपका करियर है उसे नौकरी से स्टार्ट कीजिए। हाँ ये हो सकता है कि आप अपनी तनख्वाह के साथ साथ कुछ कुछ पैसे इधर आप सेव करते जाएं और बाद में जब आपके पास एक फंड तैयार हो जाए तो आप उससे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये बात भी मैं बिल्कुल सही है कि कहा जो जाता है कि एक बिजनेस जो होता है वो नौकरी से ज्यादा पैसा देता है। सिंपल आप समझिए दोस्तों कि अगर एक मतलब सब्जी वाला जो है वो एक दिन में 400 से 500 रुपए कमा सकता है, लेकिन वही अगर हम किसी कंपनी में 8 घंटे का जॉब करते हैं तो हमें 15,000 रुपए मिलते हैं अगर हम छोटी सी नौकरी करते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि बिजनेस में ज्यादा पैसे हैं, लेकिन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें अगर फंड की जरूरत है तो स्टार्ट तो हमें नौकरी से ही करनी पड़ती है। पांचवा यहाँ पे बात आता है दोस्तों कि बिजनेस को सीखें। ठीक है आपको किसी ने राय दे दिया कि आप बिजनेस स्टार्ट कर लो, लेकिन किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों ये सीखना बहुत जरूरी है कि हम कौन सा बिजनेस कर रहे हैं और इस बिजनेस को हम कैसे ग्रो अप कर सकते हैं। दोस्तों बिजनेस करना ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन बिजनेस में कितनी मेहनत लगती है, उसे किस तरह से किया जाता है, ये सीखना हमें बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे जरूरी चीज है कि अगर आप चाहते हैं कि आप किस भी क्षेत्र का बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए पूरी नॉलेज लीजिए। अगर आपको किसी से नॉलेज नहीं मिलता है तो आजकल इंटरनेट पे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं कि आप जिस क्षेत्र का बिजनेस करना चाहते हैं उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन गिवन है। तो दोस्तों आप यूट्यूब का भी मदद ले सकते हैं, लेकिन बिजनेस करने से पहले बिजनेस को सीखिए कि उसे कैसे करना है। सिक्स पॉइंट है दोस्तों इन्वेस्ट करें। दोस्तों
आप अगर चाहते हैं कि आप पैसे वाले बने तो ये बहुत जरूरी चीज है कि आपको इन्वेस्टिंग जो है वो समय के साथ करते ही रहना चाहिए। मान लीजिए आपके पास कम पूंजी है, छोटी छोटी आप बचत करते हैं, तो आप बैंक या आप डाकघर के अलग अलग स्कीम में अपने पैसे को लगा सकते हैं। दोस्तों मैंने अपने चैनल पे डाकघर के 2-3 स्कीम और बैंक के भी आपको स्कीम के बारे में बता रखा है, आप उन सब वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं और आपको मैं उन सब वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। आप वहां से देख सकते हैं कि आप अपने पैसे को कहाँ लगाएंगे तो वो पैसा जो है वो 2 गुना या 4 गुना हो जाएगा, लेकिन उसमें समय लगता है। इसके अलावा जिन लोगों के पास पैसे हैं, मतलब उनके पास ज्यादा पैसे हैं, तो वो घर मकान या प्लॉट खरीद सकते हैं। दोस्तों घर मकान प्लॉट जो है ये जो इन्वेस्टमेंट होता है ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मकान का या जमीन का जो भी भाव है, जो भी रेट है, वो ऊपर ही गया है, किसी और सरकमस्टांस में कभी नीचे चला गया होगा लेकिन हमेशा ऊपर ही जाता है। लेकिन उसके लिए जरूरत ये होता है कि फंड ज्यादा होने चाहिए, जिनके पास ज्यादा पैसे हैं। इसके अलावा जिनके पास अपना मकान है वो अपने मकान को किराए पे भी दे सकते हैं और वो किराया जो है वो एक आमदनी का स्रोत बन जाता है। तो दोस्तों कहना ये है कि आपके पास अगर कम पैसे हैं तो आप उसे बैंक या डाकघर की स्कीम में लगाएं, आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप प्लॉट मकान जमीन इन सब पे आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। और लास्ट पॉइंट यहां पे दोस्तों ये है कि आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैंने बहुत सारे वीडियो में शेयर मार्केट के बारे में बताया है कि आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा आप चाहें तो SIP में भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में काम करने से पहले आपको थोड़ी मार्केट की जो जानकारी है वो लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप मार्केट के नियम या मार्केट का जो भी उतार चढ़ाव होता है उसे अगर बारीकी से समझ जाते हैं तो आप अपने पैसे को, मैं 2 गुना नहीं कहूंगी, आप 10 से 12% तक का रिटर्न पा सकते हैं। दोस्तों शेयर मार्केट बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उन लोगों के लिए जो वो पूरी तरह से जानकारी लेके ही इस मार्केट में उतरते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है पैसे वाला बनने का, तो शेयर मार्केट भी एक अच्छा साधन है दोस्तों पैसे वाला बनने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 7 ऐसे स्टेप बताए जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बहुत जल्द अमीर या फिर आप पैसे वाले बन सकते हैं। तो कैसे लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा, और आप अपने जो भी आपका ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।